हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा शीट को रीड कैसे करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा शीट कैसे बनाएंगे। बेसिकली आरटीएम का यूज करेंगे और डेटा शीट बनाएंगे। सेक्शंस में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं। सेक्शन से आपको पता चल जाएगा हम सर्किट जो बनाने वाले हैं उसका आउटकम क्या होगा। फिर उससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि अच्छा ये चीजें होने वाली हैं, तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इधर देखोगे तो ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये यूएसबी पावर है जिसमें आप प्रोग्राम भी कर सकते हो प्लग इन करके। ठीक, उसके बाद ये 12 वोल्ट वेरिएबल है, मतलब 2 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आउटपुट देंगे। और यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये सीधा प्लस 12 वोल्ट इनपुट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। तो सब में नेट लिस्ट वगैरह सब कुछ प्रॉपर दी गई है। मैं ये वाला पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उधर से आप डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद देखोगे ये नोटिफिकेशन के लिए है कि अपना पीसीबी जो है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें आपको इधर से पता चलेंगी। उसके बाद इसमें माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर और लैपटॉप या पीसी को जो कम्युनिकेट करता है, बेसिकली यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, वो हम यूज़ कर रहे हैं इधर CH340C। ठीक है, उसके बाद आप इधर देखोगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ब्लॉक मिल जाएगा, जैसे वेरिएबल पावर का ऑप्शन रखेंगे अपने बोर्ड पे। उसके बाद यहाँ पे मेल हेडर का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे फीमेल हेडर का ऑप्शन है। तो इसकी वॉर्म फाइल है पूरी, वॉर्म फाइल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे जाके ज्वाइन की रिक्वेस्ट कर सकते। और फिर क्या होगा कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे बेटर तरीके से, फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और अगर आप उधर नहीं कर सकते तो आप ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मेरे को ये फाइल में दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं, मैं जितने भी कॉम्पोनेंट्स सारे आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे, सबकी आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। तो हम लाइब्रेरी बनाने से शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग। ठीक है, क्योंकि हमने सर्किट देख लिया, उसके क्या क्या यूज़ है वो भी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। जिसने अभी तक नहीं देखा ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जाओ, पहले वो सारी पार्ट देखो, फिर उसके बाद इस पर आओ। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका फुटप्रिंट बनाना है। फुटप्रिंट यानी फुटप्रिंट और लाइब्रेरी दोनों बनानी है। तो फुटप्रिंट और लाइब्रेरी यानी स्केमेटिक सिंबल तो इधर है अपने पास, है ना। अब हमें लाइब्रेरी बनानी है, फुटप्रिंट भी बनाना है। तो फुटप्रिंट कैसे, हमें डेटा शीट को रीड करना आना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे ऐसे डेटा शीट रीड होती है। वो चीज़ आपको अगर नहीं पता जाके अभी भी मैं कह रहा हूँ पहले वो वीडियो देख लो, फिर इस पर शुरू करना, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको आरटीएम अपना ओपन कर लेना है। मैं आरटीएम डिजाइनर प्रोफेशनल यूज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, जिसमें 24.10.1 वर्जन यूज कर रहा हूँ अभी मैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास कोई सा भी वर्जन हो, डजेंट मैटर, मोस्ट ऑफ केस में यूज सेम रहेगा। फाइल पे जाना है, फाइल पे अभी हम लाइब्रेरी फाइल बनाने वाले हैं पहले, तो न्यू पे फाइल न्यू। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अलग अलग चीजें। अब ये देखो आरटीएम 365 जो है बहुत ही वर्सेटाइल है, ठीक। आप लोकल डेस्टिनेशन में इसको सेव कर सकते हो, आप क्लाउड बेस पे, डेटा बेस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, वर्क स्पेस आप अपना खुद का वर्क स्पेस बना सकते हो जो कि क्लाउडली कनेक्टेड रहेगा, और किसी के साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो जो भी आपके टीम मेंबर रहेंगे। और आपको ये सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पे आरटीएम 365 को यूज कर सकते हो अपनी कुछ डिटेल्स डाल के। इनका कुछ ट्रायल वगैरह है जो कि आप पूरे इनके जो भी टर्म एंड कंडीशन हैं वह फॉलोअप करके वहाँ पे डाल सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे इनकी प्राइसिंग है, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ रहेगा, आप इधर से डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। तो आपने अगर सब कुछ इंस्टॉलेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद देखोगे तो इसमें कई ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी, स्केमेटिक लाइब्रेरी, पीसीबी लाइब्रेरी, पैड विया लाइब्रेरी। सो अभी हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है उस पर क्लिक करेंगे। अब इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी पे क्लिक करा, इंटीग्रेटेड अंडरस्कोर लाइब्रेरी 1 है, ठीक। पहले हम इसे सेव करेंगे, सेव कर लेते हैं, और हम इसको नाम देंगे अपना C_library_ESP, कस्टम लाइब्रेरी फॉर ESP, मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है इसका। उसके बाद मेरे को इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक्सटेंशन है वो आपका एक इंटीग्रेटेड है, तो इसके अंदर हमें और भी फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी जो कि स्केमेटिक लाइब्रेरी है, ठीक। कुछ ऐसा आएगा, आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं दिख रही, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे होगा, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, नेविगेटर है, और स्केमेटिक लाइब्रेरी है, स्केमेटिक फिल्टर है।
तो आप अभी इसमें हो, स्कीमेटिक फिल्टर पे क्लिक कर, अभी आपका वो चीज नहीं दिख रहा जिसमें प्रोजेक्ट्स लिखे होते हैं, तो इधर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन होगा, आप में नीचे आ रहा होगा प्रोजेक्ट का ऑप्शन, प्रोजेक्ट होगा, लाइब्रेरी होगी, नेविगेटर होगा, तो उधर से आप शिफ्ट करके चले जाना, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, तो ये सारी चीजें आ जाएगी। अभी मैं इसमें एक और फाइल ऐड करूंगा, यहाँ पे पीसीबी लाइब्रेरी भी ऐड करूंगा मैं इसमें, दोबारा मैं प्रोजेक्ट्स में आ जाऊंगा, आप इसे सेव करेंगे, हम सेव करते हैं और सेव अगेन उसी पे नाम से करेंगे, सी अंडरस्कोर लिब अंडरस्कोर ESP। ठीक, लाइब्रेरी पैकेज का जो एक्सटेंशन है उसको ऐड मत करना, बस डायरेक्टली सेव कर देना। ठीक, इसको भी सेव कर लेंगे, लाइब्रेरी स्कैमेटिक का फाइल सेव किया था, अभी हम पीसीबी लाइब्रेरी सेव कर रहे हैं। ठीक है, सी अगेन आप डालोगे ये आ जाएगा, इसके बाद लाइब्रेरी पैकेज का जो अंडर ये हटा देना एंड सेव कर लेना। तो अभी देखो कि आपका अच्छा खासा फोल्डर बन जाएगा। अब देखो इधर इंडिकेशन है कि आपने कुछ चीजें सेव नहीं करी है, पहले वो सेव कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको सेव कर लो तो वो चीज एरर हट जाएगी। एरर नहीं, बेसिकली एक इंडिकेटर है कि आपको बता रहे कि आप कुछ गलती करने वाले हो, और उसे सेव कर लो, कुछ अपडेट हुआ है वो चीज सेव कर लो। तो अभी देखो मेरे पास ईद का प्रोजेक्ट फाइल कैसे आएगा वो सब चीजें, तो इधर स्कीमेटिक लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इधर SCH लाइब्रेरी, फिर इधर एडिट का बटन है, एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट का मैं रीनेम करूंगा AMS111733.3। ठीक, डेजिग्नेटर हम यू दे देंगे क्वेश्चन मार्क, इधर टाइप ऑफ IC कह भी सकते नहीं भी कह सकते आपकी मर्जी, बट डेजिग्नेटर आपको देना है। कमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं 3.3 वोल्ट का इसको आउटपुट का वो दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका साइज SOT 223। अब ये साइज हमें कहाँ से पता चला, लाइब्रेरी अगर हमने देखी तो लाइब्रेरी में इसका साइज दिया हुआ है SOT 223 प्लास्टिक पैकेज। चाहूँ तो मैं इसे पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इधर आके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरी चीज़ें डाल देता हूँ, तो फिर कुछ अभी आपको कुछ इसमें स्कीमेटिक लाइब्रेरी में कुछ देखोगे तो डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, बढ़िया। तो प्रॉपर्टीज में जाओगे और इसमें और भी चीज़ें हैं, शो मॉडल, अब ये शो मॉडल नहीं होगा क्योंकि हमने मॉडल बनाया ही नहीं है पीसीबी लाइब्रेरी का, पीसीबी फुटप्रिंट बेसिकली हमने बनाया नहीं है, अभी स्कीमेटिक की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद पीसीबी लाइब्रेरी बनाएंगे, तो अभी ये दिखाएगा नहीं। ठीक है, और भी इन्फॉर्मेशन है, आप और भी लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो, पिंस, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आने के बाद हमें क्या करना है, फुटप्रिंट अभी मिसिंग है, अभी हमें स्कीमेटिक सिंबल बनाना है, तो वो कैसे देखोगे, यहाँ पे ये है स्कीमेटिक सिंबल, ठीक है, AMS 1117 का स्कीमेटिक सिंबल ये है। तो हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपको ग्रिड साइज बहुत बड़ी अपनी देखोगे तो यहाँ पे ग्रिड साइज 5 mm की है, वो चीज़ें चेंज करनी है। वो कैसे चेंज करोगे, व्यू में जाओगे, ग्रिड्स में, और यहाँ पे सेट स्नैप ग्रिड पे आप 1 mm कर सकते हो, 2.56 ये कर दो, ठीक है, सबसे छोटा अमाउंट है, इससे नीचे जाएगा नहीं, इससे नीचे मिल्स में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इधर आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है, आप में प्लेस लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइन की जगह आपको रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगल को लेना और यहाँ पे एक ऐसे एक रेक्टेंगल बना देना, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ दिखा देगा। हाइट विड्थ दिखाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो मैं इसको 10 8x10 रख देते हैं, ठीक, तो ये इतना बड़ा है, और छोटा करना चाहो छोटा कर लो, मैं छोटा और थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें पिन प्लेस करनी है। ठीक, अगर आप देखोगे इसमें जो स्कीमेटिक सिंबल है इसका, यहाँ पे 1 2 3 और 4 पिन्स हैं इधर, है ना, तो हमें उसी हिसाब से पिन्स प्लेस करनी है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये प्लेस पिन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करोगे, टैब दबाओगे, क्लिक करने के बाद टैब दबाना है, उसके बाद डेजिग्नेटर है उसको 1 कर दो आप, और नंबर है इसको आप कर दो VIN, या फिर जो भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है इसमें ग्राउंड दिया हुआ है, अभी यहाँ पे ग्राउंड के बाद वी आउट वी इन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से देना है। तो इधर हम GND देंगे ग्राउंड, अभी शो नहीं कर रहा है वो, अभी हम बताएंगे क्यों नहीं शो कर रहा, अभी हम उसे इनेबल करेंगे वहाँ से। ये जो है ये पिन और बीच वाली पिन दोनों कॉमन है, आप चाहे दोनों को एक साथ कर सकते हो। अभी देखो पिन की लेंथ कैसे बढ़ानी है, कैसे कम ज़्यादा करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिन की लेंथ अगर इस पर डबल क्लिक करोगे तो पिन की लेंथ का ये प्रॉपर्टीज खुल जाएगा, उसके बाद पिन में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है, तो शो करना है, हाइड करना है, वो आपके ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, ये 2 mm है, मैं इसे 4 mm भी कर सकता हूँ, 5 mm भी कर सकता हूँ, मैं 2 ही mm रहने दूंगा,
इधर से मैं पिन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ब्लू से ये कर सकता हूँ, मैं इसे ब्लैक ही रहने दूंगा अभी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप टाइपो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्यों टाइपो क्यों चेंज करना, मतलब मान लो कोई और राइटिंग में लिखना है, किसी और फॉन्ट में साइज में लिखना है, फॉन्ट टाइप में लिखना है, वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक। कलर का बॉक्स चेंज, बॉक्स का कलर चेंज करना है, आप येल्लो कर सकते हो, आप ग्रे कर सकते हो, मतलब यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, आप जो चाहे वो यूज़ करो, कस्टमाइजेबल है चीज़ें, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाओगे, इसे अनहाइड कर दोगे यहाँ से, ठीक है, और इसे भी अनहाइड कर दोगे। तो अभी देखो ये कोलैप्स कर रहा है ना चीज़ें, तो हम इसे थोड़ा सा बाहर ले लेंगे और इसे बस यहाँ से करके एडिट कर देंगे, यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये जो है जो पिन नंबर 2 है वो वी आउट है, ठीक है, यानी यहाँ से वोल्टेज आउटपुट मिल रही है हमें। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे ये वी आउट है ये भी, और ये भी वी आउट है, तो ये दोनों चीज़ें वी आउट है। इसको अगेन मैं रीनेम कर देता हूँ पिन को, यहाँ पे वी आउट कर देता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर 3 जो है कि वो वी इन है, ठीक। ये हो गया, आपको कुछ और चीजें करनी है तो कर सकते हो। मैं मार्किंग कर देता हूँ एक छोटी सी, यहाँ पे एक सर्कल है, इलिप्स है, फुल सर्कल है, फुल सर्कल का यूज करेंगे, बहुत छोटी चीज हो जाएगी। थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं, बस यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। अब करना क्या है, हमें इसे सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लिया हमने, अब इसमें देखोगे तो ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अभी हमने कुछ सर्च नहीं कर रहे इसमें। अब क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट्स में जाना है दोबारा, इधर प्रोजेक्ट्स का जो ऑप्शन दे रहे हैं इसमें क्लिक करना है। इसके बाद अब इसकी लाइब्रेरी खोलनी है, ठीक है, लाइब्रेरी खोलेंगे। अब लाइब्रेरी बनाने के कई तरीके हैं, ठीक है, जिसमें सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा है। पहले हम क्यू प्रेस करके हम ग्रिड का जो यूनिट्स हैं उसको चेंज कर लेंगे क्यू प्रेस करके। उसके बाद देखोगे ग्रिड का साइज चेंज हो गया, और कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में तो आपको इधर पता चल जाएगा इस ऑप्शन पे ऊपर बिल्कुल मिडल में साइड में, ठीक है। इसको पहले हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे पीसीबी लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पे एक कंपोनेंट पहले से ही बना हुआ आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, एक टूल्स में ऑप्शन है यहाँ पे आईपीसी कॉम्प्लियंट फुटप्रिंट विजार्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ विजार्ड है, आपको कुछ सेटिंग्स है। अब इसमें हमारा कौन सा था, हमारा था SOT, है ना, SOT 223 था हमारा। यहाँ पे अगर देखोगे SOT 223 आउटलाइन पैकेज कुछ इसी तरीके से दिख रहा है लाइब्रेरी में, सॉरी डेटा शीट में हमें कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे डेटा शीट ये रही, और इसी तरीके से कुछ शेप दिख रहा है इसका, है ना। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अभी कुछ चीजें पूछेगा, बॉडी विड्थ रेंज E1। अब E1 यहाँ पे अगर देखोगे तो E1 क्या है, E1 यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी कि बॉडी विड्थ रेंज क्या होगी, बॉडी विड्थ रेंज इसकी ये है E1, ये ऊपर वाला इंचेस में है, नीचे वाला mm में है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो और जाके उसे देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम है 3.3 है, उसके बाद मैक्सिमम है 3.71 है, ठीक, 3.3 3.71। आप 1 चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते। अगर आप ये सब चीज़ें सीख रहे हो और आपको आप चाहते हो कि एकदम सर्टिफिकेशन वगैरह करना, तो यहाँ पे RTM की तरफ से एक ऑप्शन है, RTM स्टूडेंट लैब है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिल जाते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हो चीज़ों को, और एक सर्टिफिकेशन हो गया और आपको एक स्किल मिल जाएगी, करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो चीज़ें देख सकते हो इसको, ठीक है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एनरोल फ्री का ऑप्शन है, आप इंस्टीट्यूट नेम, अगर आप बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए, सो आप एक यूनिवर्सिटी में हो तो मच बेटर हो जाएगा कि आप ये जाके चेकआउट कर लो, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे, बॉडी लेंथ रेंज D, यानी कि D क्या है, ओवरऑल बॉडी की जो लेंथ है वो चीज़ें हम इसमें बताना पड़ेगा क्या है इसमें। D देखोगे तो यहाँ पे जो डेटा शीट है इसमें D क्या दिया हुआ है, यानी कि D ये दिया हुआ है 6.3 से 6.71, मिनिमम मैक्सिमम दोनों चीज़ें हैं 6.3 से 6.71, ठीक है। अब उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है A, तो A यहाँ पे क्या हुआ है ये बताया हुआ है, मैक्सिमम हाइट A 1.8 दी हुई है यहाँ पे, और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ये दिया हुआ है मैक्स
1.8, तो यहाँ पे भी देखोगे तो चीज़ें सेम दी हुई हैं, है ना। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड हाइट भी सेम है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे लिड विड्थ रेंज है, तो लिड विड्थ रेंज क्या है, बी। बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो बी है बी टू है, दो अलग अलग चीजें हैं, वो चीज ध्यान रखना आप। यहाँ पे जो बी है वो आपका यहाँ पे वन पैड नंबर देख रहे हो, तो पिन की जो विड्थ है वो पूछा है, और बी यहाँ पे 0.6 दी हुई। तो हम यहाँ से अगर डेटा शीट में देखें, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 0.64 to 0.84 यहाँ पे ये बी है, तो हम यहाँ पे यही इनपुट देंगे 0.6 to 0.84, ठीक है। अब इसमें बी टू पूछ रखा है, बी टू जो टैब है उसका साइज दिया हुआ है विड्थ, ठीक है बी टू। अब इसमें आप बी टू देखोगे जो टैब है इसका, ये टैब यहाँ पे 2.95 और 3.15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 2.95 और 2.15 वो सेम दिया हुआ है लगभग लगभग, तो ये भी ठीक है। फिर ठीक है लीड लेंथ रेंज यानी एल, यानी कि अब इधर देखो तो लीड लेंथ रेंज जो है वो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वहां पे देखो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 0.31 दिया हुआ है लीड लेंथ रेंज यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है 0.9 से 0.13, तो ये भी ठीक है। ठीक यहाँ पे थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सोल्डरिंग एरिया बड़ा होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है सच। फिर इसके बाद ई यानी पिच, यहाँ पे अगर पिच बोला जा रहा है तो किसको बोला जा रहा है, ये जो एक पिन है, ये जो एक पिन है ये वाली और ये वाली, ये पिन वन है ये पिन टू है, अब इसके और इसके बीच की जो दूरी हुई जो डिस्टेंस हुआ उसको हम पिच बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये कितना है अपना 2.29, ये अपना 2.29 है, तो 2.29 या 3 वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, ठीक है। ओवरऑल पिच E1 जो है अपना 4.6 है, तो ये जो है यहाँ से अब ओवरऑल देखो, ओवरऑल समझने वाली बात है, ओवरऑल किसे कहा गया है, ये वाली पिन और ये वाली पिन, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 और 3, जो फर्स्ट पिन है और जो लास्ट पिन है उसके बीच का टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो ये दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। ऊपर वाली जो रीडिंग है, ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो इंचेस में है, नीचे वाली वैल्यूज जो है वो mm में है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर देखो ये चीज आप फॉलोअप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका डिजाइन गलत बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ रीडिंग तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, मतलब यूनिट्स के साथ छिड़खानी मत करना। ये कितना दिया हुआ है 4.60, तो यहाँ पे वो सेम है। अब लीड टैप रेंज ई यानी ई लीड टू टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर यहां से ये वाला डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो तो ये पूछा गया कितना है, ठीक। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये भी तो सेम चीज है ना, यहां से यहां तक का तो कितना है 6.71 7.29, तो सेम है, ठीक। नंबर ऑफ लीड्स कितने 4 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको यसे रहने देते हैं, ठीक है ठीक है, इसमें इसको ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सिल्क स्क्रीन यानी जो आउटर कवरेज आएगी और जो बीच में ये वाला ये वाली जो बॉक्स है येलो बॉक्स अगर आप देख रहे होगे तो इसका जो विड्थ है वो 0.2 ही रहने देना, मैं यही यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद यूज अ सजेस्टेड वैल्यू, इसमें आप चाहो तो अपना खुद का नाम कुछ दे सकते हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट भी करोगे। मैं एक बार नाम दे देता हूँ, AMS 1117.3। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जिस्टिंग पीसीबी फाइल पे कर देते हैं, न्यू पे करोगे तो न्यू फाइल बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद या फिर करंट पीसीबी फाइल में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो करंट पीसीबी फाइल में करना, नेक्स्ट करना एंड इसको फिनिश कर देना, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पीसीबी लाइब्रेरी खोलोगे तो देखो दो चीज़ बन गई, तो आप इसे हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला जो हमने बनाया था, और ये आपका आ गया। यहाँ पे ये आपका प्रॉपर एक AMS 1117 का डिजाइन बन के आ गया है। अभी मैं अगर 3 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो हम 3D मॉडल देख सकते हैं इसका, 2 प्रेस करा मैंने तो ये चीजें हैं, 3 प्रेस करा तो 3D में चला जाएगा, 2 प्रेस करा तो 2D में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे रोटेट कर सकते हो, बट मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा। अब इसमें देखो तो कुछ चीजें आपको दिखेंगी, यहाँ पे टोटल डिटेल्स हैं इसके पास, फुटप्रिंट का ऑप्शन है, जर्नल ऑप्शंस पे ये है, ठीक। उसके बाद हम पीसीबी लाइब्रेरी
तो ये हो गया पीसीबी लाइब्रेरी। अब दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास ये चीजें हो जाएंगी कि प्रॉपर एक लाइब्रेरी फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए क्या, मैं पीसीबी लाइब्रेरी, आप कहाँ से पीसीबी स्कीमेटिक लाइब्रेरी जो थी, आप या तो यहाँ से डायरेक्ट होवर कर जाओ या फिर आप प्रोजेक्ट्स में जाके और फिर शिफ्ट कर लो, तो आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ से होवर कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। फिर यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट्स में जाओगे, अगर मल्टीपल आपने लाइब्रेरी बना रखी होगी, मल्टीपल लाइब्रेरी बना रखी, तो स्कीमेटिक लाइब्रेरी में ऑप्शन खोलोगे तो स्कीमेटिक लाइब्रेरी का टैब खुल जाएगा। इसके बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए होंगे, तो जो भी आपको कंपोनेंट्स का फुटप्रिंट उससे ऐड मर्ज करना है, जो भी आपने बनाया है वो आप खोलोगे। मेरे को भी इससे मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड फुटप्रिंट करूँगा, ब्राउज करूँगा। ब्राउज करने के बाद देखो यहाँ पे अभी एक दिखा रहा है, अगर आपने मल्टीपल बना रखे तो मल्टीपल दिखाएगा, अभी एक दिखा रहा है तो ओके कर दूंगा। और इसके बाद मैं ओके करने के बाद इसको एक और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे ये दिखाने लगेगा। अभी देखो वन पे प्रेस करूंगा तो वन सेलेक्ट हो जाएगा, टू पे प्रेस करूंगा टू सेलेक्ट हो जाएगा, थ्री पे प्रेस करूंगा थ्री सेलेक्ट हो जाएगा, फोर पे प्रेस करूंगा फोर सेलेक्ट हो जाएगा, हो रहा है ना। तो इसे कहते हैं कि ये प्रॉपर लाइब्रेरी जो है बन चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो प्रॉपर्टीज में अब तक पैरामीटर्स में पिंस वगैरह दिखा नहीं रहा था ना, इसमें देखोगे तो आपको सब कुछ अब दिखाने लग गया धीरे धीरे। इसमें देखो इस पर क्लिक करोगे तो जनरल में की जगह पिंस पे जाओगे तो पिन कितनी है वो सब दिखा रहा है, किसको हाइड करना है किसको नहीं करना, वो सब चीजें भी आप इधर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को चेंज नहीं करना, ये भी परफेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा, सेव कर लूंगा इसे। और अगर आप एक चीज नोट करना, ये बहुत ही पॉइंट है, मतलब इसको आप स्किप मत करना। ठीक है, अगर आपने एक चीज यहां से चेंज करना चाहा, एक भी चीज अगर आप चेंज करो, सपोज दैट यहां से मैंने ऐसा भी सर्कल बना दिया गलती से और मैं चाहता हूं कि मैं इसे रखूं, ठीक है, तो आपको एक चीज करनी ही पड़ेगी। किसी भी लाइब्रेरी को आप कभी भी बनाते हो तो एक चीज ध्यान रखना, प्रोजेक्ट को हमेशा कंपाइल करना, तभी वो जाके आपकी प्रॉपर लाइब्रेरी बनेगी। अब मैं दिखा देता हूँ ये लाइब्रेरी अपने कहाँ पे आ चुकी है। मैं कोई सा भी ऐसे ही एक फोल्डर खोल लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ जिसमें हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई पीसीबी है, मैं इसी पे कंपोनेंट्स में जाके, यहाँ पे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, मेरे पास और भी लाइब्रेरी है, तो अभी जो हमने बनाई थी यही लाइब्रेरी बनाई थी, C_lib_esp। तो ये लाइब्रेरी जो हमने बनाई थी, अगर इधर देखोगे तो इसमें अभी एक ही लाइब्रेरी दिखा रहा है, तो अगर हम इस पर डार्क करके इधर ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगी, तो मतलब हमारी लाइब्रेरी जो है परफेक्ट बन चुकी है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं स्कीमेटिक में दिखाना चाहूँ आपको, तो मैं एक और फाइल खोल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे स्कीमेटिक फाइल पे आए हैं अगर हम, तो अगर मैं कंपोनेंट्स में जाऊँ और यहाँ पे अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे, इस पे जो अपनी लाइब्रेरी हमने बनाई है उसको आप दोबारा ओपन कर लेना तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो अभी प्रॉपर चीजें आ गई है ना, अब ये कनेक्शन भी कर पा रहे हैं हम इन चीजों का, है ना, ये प्रॉपर वायर कनेक्ट भी हो रही है, तो ये चीजें हैं। तो चीजें देखो करने से ही होंगी। अब इसके बाद जो ये वीडियो खत्म हो रही है, ठीक है, इसके बाद हम ना एक और लाइब्रेरी बनाएंगे, सॉरी एक और कॉम्पोनेंट की लाइब्रेरी बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि हम एक कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक ये वाली आईसी बनाएंगे CH340। ठीक, उसके बाद हम स्कीमेटिक की असेंबली शुरू करेंगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे।